हेवी टू वेरी हेवी रेन भी कुछ कुछ जगहों में रहने का संभावना है। और 18th को भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, सौराष्ट्र का कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से दिन कच्छ में भी सारे जगहों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा, हेवी टू वेरी हेवी रेन रहेगा कुछ कुछ जगहों में, और कहीं कहीं जगहों में एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का भी संभावना है, जैसे पोरबंदर, द्वारका, जूनागढ़, ये सारे जगहों में एक्सट्रीमली हेवी रेन भी होने का संभावना है। मोस्टली 18th तारीख को साइक्लोन सौराष्ट्र कोस्ट क्रॉस करने का संभावना भी है। पवन की गति क्या रहेगी? पवन की गति 17th को रहेगा 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर आवर पर आवर, लेकिन 18th को 17th मॉर्निंग को ग्रेजुअली विंड स्पीड बढ़ेगा और बढ़ के 90 to 100 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 115 किलोमीटर पर आवर रहेगा नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में, अलॉन्ग ऑफ गुजरात कोस्ट में भी अर्ली मॉर्निंग ऑफ 18th को भी रहेगा। मछुआरे को कोई वार्निंग? मछुआरों के लिए वार्निंग है अभी उनके लिए, कल से हमने वार्निंग इश्यू किया है, हमने एडवाइस किया है जितनी मछुआरे डीप सी में है वो सभी पहले वापस आ जाएं, और 17-18 तारीख के लिए नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और इंडियर गुजरात के कोस्ट के लिए मछुआरों के लिए जाना मना है, दिन 16 तारीख से जाना मना है। अहमदाबाद में पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा, साउथ अहमदाबाद में आइसोलेटेड हेवी रेन 18th को होने का भी संभावना है, और हमारा सेंट्रल अहमदाबाद में क्लाउडी रहेगा मोस्टली और हल्की फुल्की बारिश हो भी सकता है। मोस्टली ऑल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सौराष्ट्र, पोरबंदर से लेके आपका द्वारका तक, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव, इवन भावनगर में भी रेन रहेगा। अभी को सिग्नल लगेगा? अभी पोर्ट के लिए सिग्नल जाएगा, अभी आज पोर्ट के लिए डिस्टेंट कसनारी सिग्नल गया है, इशू किया गया है। मैम ये जो साइक्लोन है वो गुजरात में कब तक असर उसका दिखेगा और कहाँ कहाँ पे ज्यादातर असर दिखेगा? ज्यादातर असर मोस्टली कोस्टल सौराष्ट्र में सारे डिस्ट्रिक्ट में बारिश रहेगी। कब से दिखेगा? 17-18 16 से शुरुआत हो जाएगी, 16 शाम से 17-18 में मोस्टली ज्यादा रहेगा। ओके।